हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं राम और आप लोग देख रहे हैं राम फ्रैंक। तो सो गाइस, आज का व्लॉग अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ SRK सर का जो उनका हाउस है और जो दिल्ली के अंदर उनका कहाँ पे लोकेशन वगैरह है वो सब दिखाऊंगा, और जो उन्होंने कहाँ से अपने स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया था वो भी मैं आज आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ। और आज का व्लॉग जो है अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना और वीडियो कर लो लाइक और चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो फटाफट से आज का अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो सो गाइस, अभी मतलब गली में घूम रहे हैं और अभी गली में मतलब गूगल मैप्स पे लोकेशन वगैरह डाली थी। शिवा का जो फ्रेंड है ना, उसने मतलब बताया था शिवा तेरे को कि यार लोकेशन वगैरह कहाँ पे है ना। तो अभी मतलब हमारे नियर बाय है ना, यहाँ पे दो तीन दोस्त रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा भाई कंफर्म करा लोकेशन, तो उन्होंने बताया। पर लेकिन ये लोकेशन हमें पहले से पता थी यार, पर लेकिन हम थोड़ा गलियों में घूम रहे हैं। और मेरा स्कूल जो है ना, इसके ठीक पीछे के साइड था, और कोई भाई स्कूल का दोस्त देख रहा तो भाई बता देना कमेंट करके। तो अभी लोकेशन जो है ना एकदम पास में ही है, तो अभी आपको वहाँ पे चल के डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं। हुआ भी है साला रिकॉर्ड। सो गाइस, अभी इधर आ चुका हूँ और अभी आपको जो है ना मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देख सकते हो मेरे ठीक पीछे ही है, तो अभी जो है आपको मैं ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ और दिखाता हूँ मतलब पहले के टाइम पे ना ये कैसा था और अभी के टाइम पे कैसा हो गया। अभी तो फिलहाल जो है इन्होंने बेच दिया है, सेल वगैरह कर दिया है, तो अभी मैं आपको ना आर्टिकल वगैरह दिखाता हूँ और आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो सो गाइस, ये देख सकते हो ये रहा कैफ़े, और ये वाली जो है पूरी इनकी बिल्डिंग है। और पुराने में देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का था पुराने में, आज से मतलब काफ़ी टाइम पहले का ये जो है आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जो आपको मैं मेंशन भी कर दूंगा डेट के साथ। और ये देख सकते हो ये रहा, ये जो है ये पूरा जो है मतलब 6th फ्लोर का है, और इस साइड से जो है ये सैलून है, ये सैलून के ठीक जो है एकदम सामने ही है। और इसमें देख सकते हो काफ़ी जो है पुराना था, और ये ठीक सैलून के एकदम सामने ही है, और ये जो कैफ़े है। और ये देख सकते हो अभी जो है मतलब पूरा जो है इन्होंने ना रेनोवेट वगैरह कर दिया, और ये बगल वाले घर से है ना गेट को देख के हमें पता चला था, और जो अभी पूरा रेनोवेट कर रखा है इन्होंने अभी इस टाइम पे, और जो अभी इसको पूरा जो है सेल वगैरह कर दिया है, और ऐसा ही कुछ है। और इस साइड से देख सकते हो सैलून वगैरह है, और उस साइड ठीक जो है सामने मतलब खेलने के लिए पार्क वगैरह है, वहाँ से जो है हम लोग आए थे। और देख सकते हो अभी तो कोई है नहीं फिलहाल भाई, पूरा जो है रेनोवेट वगैरह कर रखा है, अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है अंदर जाने का। तो सो गाइस, अभी मेट्रो स्टेशन से उतर चुका हूँ और मेरे ठीक इस साइड जो है ये पूरा स्कूल है, तो अभी आपको स्कूल के गेट पे चल के और वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ मतलब कैसा स्कूल होने वाला है, क्या नाम है स्कूल का और लोकेशन ये कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अभी चलते हैं कि मेन गेट पर और वहाँ पर चल के आपको दिखाता हूँ मैं। तो सो गाइस, अभी आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो सेंट कोलम्बस स्कूल है, जहाँ पर SRK सर पढ़ते थे, ये देख लो ये है। तो अभी जो है ना मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो सो गाइस, ये देखो ये है स्कूल का कुछ एंट्रेंस, और यहाँ से जो है पूरी एंट्री वगैरह होती है, और ये देख सकते हो सेंट कोलम्बस स्कूल यहाँ पर भाई साफ साफ लिखा हुआ है। और ये देख सकते हो ये स्कूल का कुछ टाइमिंग वगैरह इस साइड, और जो SRK सर है हमारे यहीं पे ही पढ़ते थे। और ये जो कुछ स्कूल की मतलब इस साइड जो है मतलब बाउंड्री वगैरह, अभी तो ये वाला गेट बंद है, बट इस साइड से जो बाउंड्री वगैरह ग्राउंड वगैरह वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सो गाइस, ये देखो ये है कुछ स्कूल का ग्राउंड, और अभी जो है हम स्कूल की मतलब बाहर वाली बाउंड्री पर खड़े हैं, और देख सकते हो और काफ़ी बड़ा स्कूल लग रहा है भाई। स्कूल का ऐसा लगा तेरे को देखने में? भाई काफी बड़ा स्कूल है और काफी सही लग रहा है ना। और ये ग्राउंड वगैरह जो था काफी बड़ा था है ना, और बाउंड्री वॉल काफी मतलब दूर तक फैला हुआ है स्कूल है ना। तो सो गाइस, ये देख सकते हो ये है मेन गेट, और ये जो है पूरा मतलब बाउंड्री यहाँ से जो है वहाँ पे जो है मतलब पूरे चर्च के साथ अटैच है। तो अभी आपको जो है मैं आगे से जाके चल के चर्च से दिखाते हैं शिवा, चलते फिर आगे। और ये वो देखो बोरा चर्च, तो यहाँ से ये पूरी चर्च वाली लाइन है, और ये जो बस स्टॉप है यहाँ से, और आगे चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो सो गाइस, ये देख लो ये वाला वो चर्च है जो हमने आपको पीछे की साइड से दिखाया था ना, और देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और लोकेशन का भी देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और न्यू दिल्ली अशोक पैलेस, और देख सकते हो यही चर्च है, और ये इसके ठीक पीछे जो है पूरा स्कूल है प्रवास है ना, काफ़ी बड़ा स्कूल है, चर्च ही ज्वाइंट है, और इसके ठीक पीछे जो स्कूल था। तो सो गाइस, अभी हंसराज कॉलेज के बाहर पहुंच चुके हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उनके यूनिवर्सिटी भी चलेंगे, तो यहाँ से जो है इन्होंने अपनी पूरी डिग्री वगैरह ली थी। तो अभी जो है मैं आपको ना बैक कैमरा से दिखाता हूँ मतलब कौन सा ये कॉलेज वगैरह होने वाला है, और जो अगर आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह करोगे तो आपको गूगल पे ना बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो अभी आपको है ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो सो गाइस, ये देख सकते हो ये रहा हंसराज कॉलेज, SRK सर का कॉलेज है, यहाँ से ये इनकी पूरी यूनिवर्सिटी वगैरह है, और यहाँ से देख सकते हो जो पूरा इनका एंट्रेंस वगैरह यहीं से ही है। और ये देख सकते हो कुछ ऐसा गेट नंबर 7 है, और अपन को जो है गेट नंबर 1 मिला नहीं, क्योंकि शाम हो गई थी हमको आते आते, और नियर बाय जो है यहाँ पे इनका बस स्टैंड पड़ता है, वहीं से डायरेक्ट अंदर यहाँ पे है। और अगर आपको कुछ भी अगर मतलब प्रॉब्लम वगैरह होगी तो यहाँ पे जो है मैं आपको मतलब नीचे लिंक वगैरह दे दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा, देख सकते हो यही है। और गूगल पे भी अगर सर्च करोगे ना SRK यूनिवर्सिटी वगैरह, तो यही वाली यूनिवर्सिटी शो करेगी आपको, आप देख सकते हो यहाँ से। तो सो गाइस, आपको पता है इस हंसराज कॉलेज के अंदर जो है हमारे अमित बड़ाना का जो पहला गाना आया था वो इसी कॉलेज के अंदर जो है पूरा शूट हुआ था, ये देख सकते हो हंसराज कॉलेज, आप अमित बड़ाना के गाने में भी जाके देख सकते हो, यही कॉलेज का जो है मतलब ग्राउंड वगैरह था।
ये पीछे वाले कॉलेज का, और इस यही वाला जो कॉलेज था वो उनके शूट में जो है पूरा यूज़ हुआ था गाने में, और यहीं पे जो इनका पूरा शूट वगैरह हुआ था। शायद मे भी अमित बड़ाना यहीं से पढ़े हुए भी होंगे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहीं से उन्होंने जो अपनी मतलब कॉलेज यहीं से ही ख़त्म किया होगा। तो सो गाइज, आज है सेकंड डे, तो आज हम जाने वाले फोर्थ लोकेशन पे। ऑटो में जो मैं आपको बता रहा था ना गाइज, वहाँ से वापस आते आते काफ़ी रात हो गई थी, और रात में घर दिखाना मतलब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि प्रॉपर जो है दिखने वाला बिल्कुल नहीं था। तो अभी मैं नियर बाय उन्हीं के मतलब पार्क में हूँ, आसपास ही है उनका घर। तो फोर्थ लोकेशन पे अभी थोड़ी देर में चलेंगे, शिवा और प्रभास आने वाले हैं और वो दोनों भी आएंगे, तो उनसे भी मिलेंगे। और ड्रेसअप जो है आज थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि आज सेकंड डे है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो अभी फोर्थ लोकेशन पे चलते हैं और आपको डायरेक्ट वहीं पर ही जाके मिलता हूँ। तो सो गाइस, अभी प्रभास और शिवा आ चुके हैं, ये रहा प्रभास और ये रहा शिवा। और भाई अभी अपन लोग जा रहे हैं फोर्थ लोकेशन पे, और वहीं पर ही चल के ना आपसे मिलते हैं। तो सो गाइस, अभी उनके घर के नियर बाय वाली कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, और ये पीछे पूरी कॉलोनी है, और अभी यहाँ से जो है मतलब 10-12 घर छोड़ के जो है एस आर के सर का घर है। तो अभी वहीं पर चलता हूँ और वहीं पर चल के आपको है ना दिखाता हूँ मतलब उनका घर वगैरह कैसा है, और ये कॉलोनी देख लो, और इस साइड जो है पूरा मेन रोड वगैरह है। और अभी हम यहीं पर चल रहे हैं, वहाँ पीछे से आए हैं, तो अभी चलते आगे और फिर सीधा आपको वहीं पर मतलब घर के आसपास पहुँच के ही आपको दिखाता हूँ फिर। तो सो गाइस, ये वाला घर देख सकते हो, ये जो ये सामने वाला, ये वाला घर शाहरुख खान का घर है, और शाहरुख खान सर का घर है, और देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, और 3 या 4 मंजिल के आसपास का ये घर है, और काफ़ी जो है इंटीरियर वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। और ये जो हमें उनके बैक साइड वाले घर पे खड़े हैं, और इस साइड से देख सकते हो काफ़ी बड़ा घर है भाई, लाइटनिंग वगैरह मतलब भाई कांच के ग्लास वगैरह देख सकते हो, काफ़ी बड़ा घर है और काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने बना रखा है, रिजॉर्ट टाइप लग रहा है ना, है ना, और काफ़ी सही लग रहा है भाई घर। और ये जो है कहाँ पे प्रवासी लोकेशन कहाँ है, ये पंचील है, बस बताऊंगा नहीं एड्रेस पूरा, पंचील में है, पंचील में बस भाई, ये देख सकते हो ये वाला घर जो है पंचील के अंदर है, और काफ़ी सही लग रहा है देखने में, देख सकते हो ये बैक साइड है, और हम लोग जो है फटाफट से वीडियो शूट करके निकल रहे हैं अब यहाँ से, देख सकते हो। सो गाइस, ये देख सकते हो ये रहा कुछ घर, और अभी हम प्रवास और मैं बैक साइड पे है क्योंकि फ्रंट साइड में जा नहीं सकते भाई, भाई प्राइवेसी का इश्यू होता है क्योंकि भाई वो इनकी पर्सनल वो है अच्छा होगा। और ये पंचशील में पड़ता है भाई, पूरा लोकेशन बिल्कुल नहीं बताएंगे, और आपने तो देख ही लिया होगा घर। अब यहाँ पे अब फटाफट यहाँ से चलते हैं आप, और फिर घर पे चल के मिलता हूँ या इंट्रो में मिलते हैं भाई। तो सो गाइस, आपने व्लॉग में देखा मतलब एस आर के सर ने कहाँ से अपना कॉलेज ख़त्म किया, कहाँ से उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया, और जितने भी थे हमने व्यूअर्स मतलब जो है आर्टिकल वगैरह में देखा था, वो सब आर्टिकल मैंने नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिख के डाल दूंगा, और वीडियो के मतलब जैसे ही ख़त्म हो गए मेरा आउट्रो तो उसमें भी मैं लगा दूंगा, और वीडियो के मैंने बीच में भी लगा रखा है, और अपनी वीडियो में भी मैंने दिखा रखा है आर्टिकल वगैरह, तो वैसे वैसे था। और जो हमने उनका पहला घर दिखाया था वो तो पूरा रेनोवेट हो चुका था भाई, वहाँ पर बिल्कुल कुछ अलग नहीं था। तो आपको वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।